ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर चयनित रेणु पालावत की बात अब करते हैं। विश्व पटल पर जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। रेणु की स्कूल शिक्षा जयपुर के चारणवास गांव के सरकारी स्कूल से हुई। रेणु ने MNIT से बीटेक किया था। रेणु का कहना है कि अभाव भरी जिंदगी में भी अगर शिद्दत से मेहनत की जाए तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता। रेणु ने अपनी प्लानिंग और योजनाओं पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। इस वक्त है हमारे साथ राजस्थान की एक उभरती हुई प्रतिभा, इसरो में साइंटिस्ट के रूप में इनका चयन हुआ है, रेणु पालावत। गांव में पढ़ी लिखी और बुलंद हौसलों के साथ बहुत ही ऊंचाई पर पहुंची है। हम बात करते हैं रेणु से, कैसे तैयारियां की, कैसे इस मुकाम पर पहुंची। रेणु, बहुत बहुत बधाई हो इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। शुरुआती पढ़ाई किस तरह से चली आपकी, कैसे इस मुकाम को छुआ आपने? ओके, मैंने फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से किया है, और जो हमारे गांव में ही थी। उसके बाद 9th 10th मैंने एक प्राइवेट स्कूल से किए जो गोविंदगढ़ है, थोड़ा बड़ा कस्बा है। उसके बाद 11th 12th मैंने टारगेट साइंस पॉइंट से किए, थोड़ा और बड़ा कस्बा है। वहां का काफी अच्छा था, टीचर्स वगैरह काफी अच्छे थे, तो मेरा GMAN भी विदाउट एनी कोचिंग के हो गया था, MNIT में सिलेक्शन हो गया था। अब उसके बाद 4 साल MNIT में ट्राई करने के बाद 1 साल की मैंने MEDIGY से कोचिंग ली है, और अभी इसरो में मेरा हो गया है। रेणु, गांव के बच्चों के लिए आमतौर पर यह माना जाता है कि वहां पर संसाधनों की कमी होती है, आप किस तरह से जूझी उससे, इसके बावजूद आपने इस टारगेट को अचीव किया? एक्चुअली मेरे पापा का कहना है कि जहां तक जो तुम लोग करना चाहते हो पढ़ाई में वो कर सकते हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें इस लायक बनना है कि तुम वो कर सको। जैसे मेरा MNIT में एडमिशन हो गया तो उन्होंने फी वगैरह दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यदि मेरा वहां पे नहीं होता, कोई लोकल कॉलेज मिलती, तो वो मुझे कोई डोनेशन लेके ऐसा कुछ करवाने वाले नहीं थे। तो यदि खुद से ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आगे अपने आप रास्ते खुलेंगे, और अपने घर वाले हमेशा ऐसे करेंगे ऐसा काम कि हम आगे बढ़ें। रेणु, जो स्टूडेंट वैज्ञानिक बनने का ख्वाब पाले हुए, उनके लिए आपकी क्या नसीहत है, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह का पैटर्न ध्यान में रखें? एक्चुअली वैज्ञानिक बनने का ख्वाब देखना उनके लिए सही है जिनका माइंड लेवल अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आसपास से सुन लिया कि हमें वैज्ञानिक बनना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वैज्ञानिक बनूंगी, तो अपने आप से मैथ वगैरह इनमें इंटरेस्ट था, तो आगे बढ़ती चली गई। ये है रेणु पालावत, राजस्थान की उभरती हुई प्रतिभा। इसरो में इनका वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ। इनका कहना है कि अभाव किसी भी रूप में मायने नहीं रखते, बस आप अपने हौसलों के साथ मेहनत करते जाइए, एक दिन निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। अपने सहयोगी त्रिलोक के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए बात करते राज्य का।